चाहे आप सीनियर्स को जो मर्जी कहें, बट वी स्टिल एक्सेप्ट योर कमेंट्स। आज बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है हमारा, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्या 2024 के इलेक्शन में चेंज होती नज़र आ रही है, या इसका कोई प्रैक्टिकल रूप होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज पटना के शहर में 18 पार्टियों को न्योता दिया गया था, जिसमें से 16 पार्टियां वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव्स और अपने आप को रिप्रेजेंट उन्होंने किया। मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ के जो हेड्स थे वो खुद वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हालांकि मैं 16 जो ये नंबर है इसको 16 नहीं समझता, क्योंकि जो कश्मीर की दो पार्टियां हैं उनको मैं एक समझता हूँ, और जो कम्युनिस्ट पार्टियों के तीन ग्रुप थे उनको भी मैं एक ही समझता हूँ, उनको भी मैं तीन नहीं समझता। और इसके साथ साथ क्या वहाँ पर बातचीत हुई, किस तरीके से इसके रिजल्ट आने वाले टाइम पर होंगे, और जो 12-13 जुलाई को शिमला में कॉन्फ्रेंस जो है जी वो इन्होंने रखी है, उसके क्या रिजल्ट आएंगे, ये बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। और हमारे मेहमान जो हैं वो हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखते हैं, बड़ी उनकी पकड़ है, और जिस ढंग से वो बात करते हैं वो एक अपने आप में सुनने के लायक होती है। महागठबंधन का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक शुरुआत हुई है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पुराने ज़माने में जब लोग रात को आते थे तो उनको एक बड़ा दूध का गिलास मलाई डाल के दिया जाता था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि दूध तो सबको मिलेगा लेकिन उसमें मेंगने डालने का काम सिर्फ एक शख्स कर सकता है, और वो है केजरीवाल। और केजरीवाल ने वो करके दिखा दिया आज। और जितना एम्बिशियस ये पर्सन है, इतना एम्बिशियस पर्सन शायद मैंने वर्ल्ड की राजनीति में आज तक नहीं देखा। ये चाहता है कि मैं 24 घंटे में प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने ये साफ कह दिया है कि मैं अगली कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा अगर कांग्रेस ने पहले जो अध्यादेश जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करेंगे। मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस जब राज्यसभा में बिल आएगा या तो अपने आप को वो एब्सेंट कर लेगी, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, या इसका समर्थन कर देगी राज्यसभा में। अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है जी, अभी जो लोकसभा है वो जुलाई के मिडिल के बाद शुरू होनी है, तो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टीवी प्रोग्रामों के ऊपर आप उनको देखते हो, एक नहीं कई टीवी चैनल्स के ऊपर आप उनको देखते हो, और वेटरन जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। आजकल मिश्रा जी भी बहुत बिजी हैं, बड़े डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये अपनी जो जिस तरीके की भी इनकी अपनी राय है वो वहाँ पर टीवी चैनल्स के ऊपर जो है ये अपनी राय देते हैं। तो मिश्रा जी आपका भी स्वागत। थैंक यू डॉक्टर। प्रेम जी सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका केजरीवाल के बारे में, क्योंकि मैं तो हमेशा केजरीवाल को उसके बारे में कभी अच्छी मेरी ओपिनियन नहीं रही, उसको मैं बहुत कनिंग मानता हूँ, और यह भी मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में वो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर भी जो है वो साबित होगा, और उसका हिस्ट्री में नाम जो है वो इसी तरीके से लिखा जाएगा। पहले महागठबंधन के बाद बात बाद में करेंगे, पहले केजरीवाल के बारे में बात करेंगे। जी, बहुत अच्छी आपकी पकड़ है, उनको परखने का तरीका भी। अरविंद केजरीवाल जी बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी भी हैं। आज जो उन्होंने रवैया दिखलाया, ये चौंकाने वाला रवैया
हालांकि उनके व्यवहार के हिसाब से नहीं है, लेकिन दलीय एकजुटता के हिसाब से सारे दलों को चौंकाने वाला था कि एक पार्टी एक अपने से जुड़े हुए मुद्दे को पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बना करके फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा बता करके पेश करती है और सबसे समर्थन की अपेक्षा रखती है और कांग्रेस को डिक्टेट करती है कि वो हमारे मुद्दे का समर्थन कीजिए, तब हम विपक्षी दल की एकता में आएंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी प्रायोरिटी विपक्षी दल की में एकता नहीं है। 2024 में मिलकर चुनाव लड़ना आपकी प्रायोरिटी नहीं है, केवल आपके मुद्दे पर यानी जिससे आपकी सरकार प्रभावित हो रही है, अध्यादेश का मुद्दा, उस पर दूसरे दल आपको समर्थन दे, ये आपकी चाहत है। तो प्रश्न ये उठता है, अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे तो महाराष्ट्र की सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से इलीगल है, राज्यपाल के गलत फैसलों पर आधारित है, तो प्रायोरिटी तो फिर महाराष्ट्र हो जाना चाहिए। मणिपुर क्यों नहीं पहले नंबर पर होना चाहिए, जिसमें कि डबल इंजन की सरकार में कोई सरकार ही नहीं है, खुलेआम लोग मारे जा रहे हैं, वो मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? कहने का अर्थ यह है कि विपक्षी दलों का इकट्ठा होना इन मुद्दों के कारण है, लेकिन इनमें से हर एक मुद्दा ये अख्तियार नहीं रखता कि इससे किसी दूसरे दल को डिक्टेट किया जाए कि मेरे हित का मुद्दा है तो आप मुझे समर्थन कीजिए। तो ऐसा व्यवहार दिखला करके आम आदमी पार्टी ने एक बहुत पॉजिटिव भी बोलूं तो अपरिपक्वता का परिचय दिया है, और नेगेटिव बोलूं तो ये एक तरह से धृष्टता है और ये गठबंधन के विरोध में उनकी मानसिकता दिखती है। जी मिश्रा जी, आपसे कभी सीधा नहीं पूछा मैंने कि आप केजरीवाल साहब के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में क्या सोचते हैं। उनका एक भी एमपी नहीं था लोकसभा में, अब एक एमपी जो है वो पंजाब से बाई इलेक्शन में 2 महीने पहले चुन के आया है और वो क्लेम करते हैं कि मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा दावेदार हूँ, और वो ये भूल जाते हैं कि उनको 272 सीटें, 1 से 272 सीटें आनी कितनी मुश्किल हैं या इम्पॉसिबल हैं। शायद वो पढ़े लिखे आदमी हैं, शायद इस बारे में वो नहीं सोचते। आपका क्या ख्याल है केजरीवाल साहब की और उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर? डॉक्टर साहब, केजरीवाल को जो सफलता मिली ना, जिसको एक कहावत है कि बिल्ली के भाग्य से छींका फूटना, ये आदमी केजरीवाल जी इतने महत्वाकांक्षी और डिक्टेटरशिप है कि अन्ना हजारे को सरकार बनने के बाद इन्होंने कभी नहीं पूछा, शायद फोन भी नहीं किया होगा। जब इनके अंदर स्टेबिलिटी आ गई, सरकार की स्टेबिलिटी आ गई, तो उन सारे साथियों को जिन्होंने स्ट्रगल के पीरियड में साथ दिया था, सबको किसी न किसी बहाने से निकाल दिया, अपने नेताओं की बलि चढ़ा दी और अकेले राज करना चाहते हैं। आपकी एनालिसिस जो है वो बहुत सारे लोगों की एनालिसिस है, और वही एनालिसिस वही चीज मैं भी समझता हूँ। भारतीय राजनीति में गलती से या सौभाग्य या दुर्भाग्य से एक ऐसा नेता अपॉर्चुनिस्टिक पैदा हुआ है जो अपने सिवा किसी को स्पेस देना ही नहीं चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम केजरीवाल के साथ ये है कि पल पल एक एक कदम पे वो अपने सिवा किसी को भी स्पेस नहीं देना चाहते हैं। अब रही बात गठबंधन की, दिल्ली जो कि एक पूरा राज्य भी नहीं है, अपने स्वार्थ की बात करना, भाई तमिलनाडु वगैरह या और कहीं के हैं उनका इस चीज से क्या लेना, और कांग्रेस क्यों चाहेगी? हो सकता है कल को कांग्रेस सेंटर में बने तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि दिल्ली में इस तरह का दिल्ली मतलब 100% संपूर्ण राज्य बन जाए, क्योंकि राज तो कांग्रेस को भी करना है। मुद्दे की बात न करके वहां पे भी व्यक्तिगत बातें, यही बातें इन्होंने अन्ना हजारे के साथ की, अपने संघर्ष के समय साथियों के साथ की, व्यक्तिगत फायदा देखना। तो इतना बड़ा स्वार्थी नेता भारतीय राजनीति में मैंने कभी, हो सकता है नेता बहुत पैदा हुए हैं, लोग अपनी पार्टी को मुख्यमंत्री पद या मंत्री पद के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन इस एज पे जाके जहां पे स्वार्थ अगर दिखता है तो वो केजरीवाल के अंदर ही दिखता है। डॉक्टर साहब प्रेम जी, आज जो वहाँ महागठबंधन हुआ जिसमें 18 पार्टियों में से 16 पार्टियाँ आईं, और मैंने आपको कहा कि मेरे हिसाब से जो कश्मीर की 2 पार्टियाँ हैं उसको मैं 2 नहीं मानता, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी मैं 3 नहीं मानता, क्योंकि अल्टीमेटली
वो सब एक ही ख्यालात के आदमी हैं, लेकिन फिर भी ये जो इकट्ठा होना है और जो ये जो संभावनाएं बन रही हैं कि हाँ भाई हम 12-13 जुलाई को जब मिलेंगे तो वहाँ पर बकायदा एक पॉजिटिव फैसले करेंगे कि किस तरीके से इस ग्रुप को आगे चलाना है या किस तरीके से हर स्टेट में हमने इलेक्शन लड़ना है। और इसके बाद आज मैंने जॉइंट कॉन्फ्रेंस सुनी सबकी, सब ने थोड़ा थोड़ा टाइम दे के बोला, सब ने पॉजिटिव बोला। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है जिसका मुझे डर था, ममता बनर्जी भी बहुत पॉजिटिव बोली और उन्होंने कहा कि हम सब एक इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे। अखिलेश यादव भी जो है वो भी बड़ी पॉजिटिविटी में थे और वो भी काफ़ी पॉजिटिव बोले। बाकी तो मैं समझता हूँ कि कोई हमें पहले ही पता है कि कहाँ कहाँ पर किसके अलायंस ऑलरेडी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के ऊपर ये जो महागठबंधन बना है इनमें वाकई ही एक पॉजिटिव और श्योर शॉट ये फैसले हो सकते हैं कि किस तरीके से सीटें जो हैं वो आपस में लड़ी जाए? डॉक्टर साहब, एक महत्व तो इन दलों का इकट्ठा होना ही अपने आप में है, और दूसरा एक रेजोल्यूशन लेना कि मिलकर लड़ना है, और तीसरी बात है कि ये कितना मुमकिन हो पाएगा। तो मुमकिन फुल प्रूफ तो कभी राजनीति में कोई बात होती नहीं, तो इसलिए लूप होल्स इसमें हैं और रहेंगे, मगर एक दो कारण हैं जिस वजह से ये विपक्षी दल का इकट्ठा होना बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि अभी हिंदुस्तान में गठबंधन की राजनीति ही चल रही है, इसके बावजूद के केंद्र में एक 303 सांसदों वाली बीजेपी की सरकार है, मगर हम देखें तो जो 90 के दशक से जो सियासत चली है, जैसे 1989 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, तब उसके पास जितना वोट प्रतिशत था, 39% के करीब वोट था, उतना तो आज बीजेपी को 303 सीट लेने के बाद भी नहीं है, 37। उसके बाद गठबंधन की सियासत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 3 सरकारें बनी, 22-22 और 25-25% वोट से बनी। यूपीए की जो सरकार बनी, सोनिया गांधी जी उसका नेतृत्व कर रही थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो वो सरकार भी 28% वोट से बन गई अपने पास, कांग्रेस का जो कंस्टिट्यूएंट सबसे बड़ी पार्टी थी उस गठबंधन। तो आज बीजेपी 37% लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन गठबंधन की सियासत में ये, मैं इसके इन आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं कि 22 से 28% वोट लेकर के भी अगर क्षेत्रीय दल मजबूत हो जाते हैं तो केंद्रीय सेंट्रल पार्टी जो है, राष्ट्रीय पार्टी जो है, वो सरकार दे सकती है, वैकल्पिक सरकार दे सकती है। यही वो भय है, यही वो खौफ है जो भारतीय जनता पार्टी को चिंतित कर रही है कि अगर 37% के वोट बैंक में थोड़ा भी डेंट लगता है और कांग्रेस को 19.5% के वोट बैंक में थोड़ा सा अप की ओर वो जाता है, 5-6% बढ़ जाता है, तो रीजनल पार्टीज का एकजुट होना, वो उनका वोट प्रतिशत अगर बढ़ गया तो सत्ता परिवर्तन के आसार बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये महत्व है इनके एकता का, इकट्ठा होने का। अब चूंकि बिहार और महाराष्ट्र दो ऐसे प्रदेश हैं जहां क्षेत्रीय दलों ने इकट्ठा होकर के गठबंधन की सियासत को, वो भी बीजेपी के समांतर वाली गठबंधन की सियासत को स्ट्रॉन्गली साबित करके दिखाया, तो वहीं से ये विश्वास मिलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि राष्ट्रीय स्तर पर एक के बनाम एक सीट देना ये कोई हंसी खेल की बात नहीं है, बहुत डिफरेंसेस हैं पार्टियों में, हितों का टकराव है, अस्तित्व का सवाल है, ऐसे में कितना कॉम्प्रोमाइज होगा। फिर भी एक चीज हो सकती है कि हम 100 में 75 सीट पर मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, 25 पर छोड़ देते हैं, वैसा नहीं संभव है, ऐसा मान लेते हैं,
इस तरह की का भी अगर सोल्यूशन निकला तो आज देश में कांग्रेस 200 सीटों पर गंभीरता से लड़ने की स्थिति में है और बाकी दलों पर क्षेत्रीय दल हैं, और कांग्रेस को अगर क्षेत्रीय दल का सहयोग मिल जाए तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड एक लड़ाई में बदल सकती है। ये इस रिजोल्यूशन का कि एक होकर लड़ना है इसका महत्व जी। मैं बहुत हैरान हूँ मिश्रा जी, आप दोनों कांग्रेस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में कांग्रेस पार्टी का कोई इतना बड़ा जो है महत्व नहीं है एज फार एज फेडरल गवर्नमेंट इज़ कंसर्न। हमें पता है कि उन्होंने कितनी सीटें जीती थी, हमें पता है कि उनकी जहाँ सरकारें थीं वहाँ पर भी बीजेपी मोदी के नाम के ऊपर, और मोदी का वहाँ पर अभी भी जलवा है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है जी, और छत्तीसगढ़ में भी है। तो वहाँ पर इनकी अगर सरकारें हैं और आने वाले टाइम के ऊपर इनकी सरकारें फिर बन जाती हैं, तो ये आप कांग्रेस को इतनी बड़ी महत्व दे रहे हैं जो बाकी के पार्टियां हैं, जैसे कि ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी बंगाल में जी, यूपी में समाजवादी पार्टी है जहाँ पर 80 सीटें हैं, चलो बिहार में तो इनका आपस में फैसला तकरीबन हो चुका हुआ है, महाराष्ट्र में भी हो चुका हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूपी और ये सबसे इम्पोर्टेंट है बंगाल, यहाँ पर वो कितना आपको मतलब ये रुतबा दे सकते हैं कांग्रेस वालों को, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये बिल्कुल अलग हैं, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आज वहाँ पर नहीं था। तो जब ये तीन स्टेटें अलग हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अपोजिशन टू गेट टू 272 नंबर, दैट्स नंबर वन। नंबर टू जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोदी के अगेंस्ट किस तरीके से, जैसे प्रेम जी ने कहा कि सीटें अगर हो जाएं एक के अगेंस्ट एक लड़े तो हो सकता है कि वो अपोजिशन वाले जीत जाएं, लेकिन मैंने फ्रॉम 79 की बात की तो 79 के इलेक्शन में मैं बहुत क्लोज था वहाँ पर, और हर वक्त AICC के ऑफिस में जी मैं धवन के साथ बैठा रहता था जब सीटों का वहाँ पर चुनाव हो रहा था, और इंदिरा गांधी बड़ी ढंग से जीत के आई थी। उसके बाद हमने और भी कई पार्टी और भी कई इलेक्शन देखे, हमने देखा मोरारजी देसाई किस बुरे तरीके से फेल हुआ, उसके बाद हमने वीपी सिंह को देखा, हमने गौडा को देखा, हमने आईके गुजराल को देखा, हमने चंद्रशेखर को देखा, हमने चरण सिंह को देखा, और लोग जो हैं वो इस, मेरा ख्याल है कि अब हिंदुस्तान की जो साइकी है वो इस किस्म की फ्रेगमेंटेड पार्टियों को शायद आगे लाना पसंद ना करें। लेकिन एक बात से हमें नहीं इनकार करना चाहिए कि 60% लोग आज भी बीजेपी के अगेंस्ट हैं, और अगर वहाँ पर कहीं इकट्ठे होके वो इलेक्शन लड़ते हैं तो डेफिनेटली जो फायदा है वो अपोजिशन को हो सकता है। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? देखिए, भारतीय इतिहास की हजारों साल पहले से आप ले लीजिए, एक बड़ी मतलब विशेषता रही है या दुर्भाग्य रहा है कि क्षेत्रीय क्षत्रप आज तक एक नहीं हो पाए। पहले भी आप देखिए, कभी छोटे छोटे राजा कभी एक हुए थे, वो मीटिंग करते थे लेकिन एक नहीं हो पाए थे। ठीक उसी चीज का ये रिपीटेशन है। षोडश महाजनपद थे, षोडश यानी 16 ही यहाँ पे नेता आए हुए हैं और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नहीं आए हैं। मायावती ने कुछ नहीं बोला इस पे, और तीन के जो आपने बोले उड़ीसा के KCR वगैरह थे, ये लोग नहीं आए। यहाँ पे एक चीज है, अगर ये एक हो भी जाते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं तो आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत इनके लिए हमेशा रहेगी, कि यानी दोनों कंडीशन में पूरे विपक्ष की एकता को मतलब एक होने के बाद जो विपक्षी पार्टी बनेगी कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा। और वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटिकल सुसाइड एक तरीके से होगा। मान लीजिए 80 सीटें यूपी में है और वहां पे अखिलेश यादव ने बोला कि मैं 30 सीटें छोड़ देता हूँ, तो उतने परसेंट तो उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर ही लिया ना, पॉलिटिकल सुसाइड हो गया।
ममता बनर्जी, आप बंगाल की बात कर रही हैं, जो किया धरा इतनी मेहनत करके एक छत्र राज्य उन्होंने बनाया है, अगर वो किसी को भी ना दे तो हो सकता है लोकसभा में बहुत ज्यादा सीटें निकाल लें और फिर उस हिसाब से वो राज्यसभा और इन सब जगह पे बड़ी मजबूत रहेंगी, तो वो क्यों देंगी? ममता बनर्जी कभी ये बोलेंगी कि हाँ भाई चलो विपक्षी एकता को जिंदा रखने के लिए मैं 50% सीट दे देती हूँ कांग्रेस को और इन सब चीजों को दे देती हूँ? ये समस्या हमेशा रहेगी। अगर ये लोग दे भी देते हैं सीटें तो डेफिनेटली ये पॉलिटिकल सुसाइड, मैं इसको बोल रहा हूँ, आगे कुआं पीछे खाई, यानी हर कंडीशन में जो है नुकसान ही नुकसान होगा। महाराष्ट्र में लीजिए शिंदे जी, ये शिवसेना अपनी अलग है, वो अलग वो है, और उसके साथ साथ एनसीपी जैसे कद्दावर नेता जो है, शरद पवार जैसे इतने कद्दावर नेता, क्या ये कभी कंप्रोमाइज करेंगे कि हम बहुत छोटी सीट ले और कोई दूसरी कांग्रेस आके लेके जाए? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली कि कांग्रेस को कम आंका जा रहा है, लेकिन विपक्षी एकता की अगर बात की जाए तो मेरु रज्जू यानी रीढ़ की हड्डी पैन इंडिया लेवल पे कांग्रेस के पास है। वो कोई भी पार्टी अपने स्टेट के बाहर आज तक जा नहीं पाई, जो गए भी वो जल्दी से ही वापस आ गए। तो वो जो कनेक्टिंग डॉट्स, पहले तो पूरा इनका राज्य होता था लेकिन कमजोर हो जाने के कारण कनेक्टिंग डॉट्स तो अभी भी कांग्रेस के पड़े हैं, इनके ऑफिसेज हैं हर जगह, कुछ ना कुछ कार्यकर्ता है, उनको रिवाइव करना उतना आसान होगा। विपक्ष के पास अगर एकता बनानी है तो कांग्रेस के सिवा कोई विकल्प नहीं है जो पैन इंडिया लेवल पे कर ले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सारे तो दिग्गज हैं, केजरीवाल देखिए आपने खुद बोला कि महत्वाकांक्षी है, पीएम हम बने जी, अभी आए हैं, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ है पीएम बनने, शरद पवार भी फिर बोलेंगे कि हम पीएम बने। अगर ये जीत भी जाते हैं और जीत करके ये आते भी हैं तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टर्मोइल हमेशा रहेगा, आपसी हितों का टकराव इतना रहेगा कि एक चीज जीतने के लिए अपनी वर्षों की मेहनत, रेपुटेशन जो पूरी जवानी घिस करके इन्होंने पाई हुई है अपने स्टेट में जो पाया है, वो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी कीमत कोई दधीच नहीं है कि जो कि इतनी बड़ी कीमत जो है अदा करेगा। ठीक है, मीटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आज की मीटिंग में बहुत बहुत कॉन्क्रीट नहीं मानता हूँ स्ट्रेटजिकली। मेरी उम्मीद ये थी कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना डिक्लेरेशन तो होगा कि भैया हाँ हमने एक कमेटी बना ली है विपक्ष के तरफ से, इसमें ये 5 लोग हैं, इसके ये हेड है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम अगर इतना भी डिक्लेरेशन हो गया होता तो जो फाउंडेशन स्टोन है विपक्ष की एकता का, वही अभी नहीं हुआ। अब एक बार मीटिंग है, अब शिमला में कब होगी? 2 दिन के बाद होगी, 2 महीने के पहले तो होगी नहीं, इतने जल्दी जल्दी तो मिलते नहीं है। तो इनके पास तो अच्छा, विपक्ष ये भी बोल रहा है कि हो सकता है दिसंबर में इलेक्शन हो जाए, अगर दिसंबर में इलेक्शन होता है तो आप मान के चलिए ये चाह करके भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, चाहे आज से ये दिन और रात एक कर दें, पैन इंडिया लेवल पे वर्कर को खड़ा करना, सारी चीजों को खड़ा करना। तो कुल मिलाकर के ठीक है, बीजेपी की चिंता बढ़ा सकते हैं, सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस ये दे नहीं पाएंगे जितना एक्सपेक्टेड है सरकार बनाने के लिए। लार्जेस्ट पार्टी जो भी आएगी वो बीजेपी आएगी, और बीजेपी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए यूपी से आप देखिए, ओपी राजभर वगैरह जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, ये इनको पता नहीं इन्होंने बुलाया कि नहीं बुलाया, ये सब बीजेपी के खेमे में तुरंत आ जाएंगे। अपना शेर शहंशाह हिंद ओवैसी हैदराबाद वाला, पता नहीं इन्होंने बुलाया नहीं कि ये उसको नेता नहीं समझते हैं, वो अकेले ही काफी है इन लोगों को साफ करने के लिए। वो जहां अपने हर जगह एक एक कैंडिडेट खड़ा करेगा ना, तहां इनके अंदर भगदड़ मचनी शुरू हो जाएगी। पता नहीं क्यों इग्नोर कर दिया इन लोगों ने, उनको किस लिए इग्नोर किया हम, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे फैक्टर्स हैं कि जहां पे इनके लिए रास्ते बहुत कठिन है, और ये देखना बड़ा रोचक होगा कि कैसे ये इस चीज को मैनेज करते हैं। ये लर्निंग रहेगी, अगर ये मैनेज करके जीत ले आए तो डेफिनेटली ये लर्निंग रहेगी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वोटर को यूनाइट करना और विपक्ष को यूनाइट करना, तो उसको मैं बहुत सक्सेसफुल वो मंत्रा मानूंगा या स्ट्रेटजी मानूंगा। मैं वेट कर रहा हूं, मैं देखूंगा। प्रेम जी, दो बातें जो है मैं अपने मिश्रा जी की थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 12 और 13 जुलाई को शिमला में मीटिंग होगी, डेटें डिक्लेयर कर दी हैं, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि भैंजी को नहीं बुलाया, भैंजी की हसीयत किया। सबको पता है कि भैंजी जो है वो इस वक्त डरी हुई है ईडी से, डरी हुई है सीबीआई से, इसलिए वो बीजेपी के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाती। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी पता है हमें कि वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी तब भी बाई पार्टियाँ जो थी
उन्होंने 5 साल मिलकर राज किया। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तब भी वहाँ पर 22 या 24 पार्टियाँ थी जिन्होंने मिलकर राज किया, उन्होंने 10 साल राज किया। तो अगर इच्छा हो तो ये पार्टियाँ मिलकर राज कर सकती हैं। ये अभी रीसेंट का किस्सा है जी, मनमोहन सिंह का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनमें इच्छा है तो वो डेफिनेटली हो सकता है। हाँ, जहाँ खतरा इन्होंने बात की है कि ममता बनर्जी ने बकायदा उसको, उसकी लड़ाई जो है वो 30 साल की है जी, और जब उसने कांग्रेस छोड़ी उसके बाद उसकी जो लड़ाई है वो लगातार चलती रही है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और बाद में कहीं जाके बड़ी मुश्किल से उसने राज को जो है वो अपने हाथ में किया। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी को तो एक्सेप्ट एक भी सीट देने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ हो सकता है कहीं 2-4 सीटों का वो जो है आपस में तालमेल कर ले, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूपी में, इन्होंने कहा 30 सीटें, मैं कहता हूँ यूपी में अखिलेश को भी पता है कि 80 सीटों के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेगा तो वो बहुत बुरी तरीके से हारेगा। उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपनी उन सीटों के पास जहाँ पर वो जीत सकता है। अभी तो उसके पास 5 सीटें हैं, तो उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि मैं उन सीटों पर कंसंट्रेट करूँ जहाँ से मैं 20-30 सीटें जीत सकता हूँ। मुझे नज़र नहीं आता कि यूपी में ऐसे हालात हैं, लेकिन अगर बन जाते हैं तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, जो मिश्रा जी ने कहा और जो मैंने कहा? डॉक्टर साहब, कांग्रेस को लेकर के जो एक स्थिति बनी है जिस वजह से कांग्रेस से दूसरी पार्टियां सट रही हैं, ये बात थोड़ा सा क्लियर कर दे तो वहां यूपी को समझना आसान हो जाएगा कि जो मोदी विरोधी वोट्स का जो बड़ा चंक है, या थोड़ा सा स्पष्ट करें तो कम से कम मुसलमानों का जो चंक है अगर हिंदुओं का छोड़ दें, तो वो आज अपनी पहली प्रायोरिटी कांग्रेस को मानता है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होगी, मुस्लिम वोट्स वहां कंसोलिडेट होंगे। तो ये जो कांग्रेस का अट्रैक्शन है, चाहे ममता बनर्जी के लिए भी ये अट्रैक्शन है कि कांग्रेस को अगर वो साथ रखती है तो ये वोट बैंक उनके कहीं छिटकेंगे नहीं। नहीं प्रेम जी, एक मिनट, जहाँ तक बंगाल का ताल्लुक है वहाँ के जो मुसलमान हैं वो 80-90% ममता के साथ हैं, दे डोंट केयर अबाउट कांग्रेस और एनी अदर पार्टी। और जहाँ तक यूपी के भी मुसलमान हैं वो भी जो ऐसी बेल्ट है जहाँ पर वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कोई ये कह देना मतलब यूनिवर्सल कि वो कांग्रेस के साथ है ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं, नहीं है, इसको डॉक्टर साहब थोड़ा समझना जरूरी है। ये फैक्ट्स तो आप सही रख रहे हैं बंगाल का भी और उत्तर प्रदेश का भी, लेकिन अभी जैसे उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो इन सब में जो पैटर्न देखने को मिला तो उसमें अखिलेश यादव से थोड़ी नाराजगी है उनके भी। इवन इस चीज को आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय लोकदल की प्रतिक्रिया में, जयंत चौधरी भी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो एक अलग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि कांग्रेस से अगर मिल करके इलेक्शन लड़ते हैं तो जाट प्लस मुस्लिम मिल करके हम यहाँ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक नई तरह की सियासत पैदा हो रही, इवन अंदर खाने बीएसपी और कांग्रेस की भी बात चल रही है, ये भी समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही कि कांग्रेस के प्रति एक लोगों का देखने का रुझान बदला है, और पश्चिम बंगाल में जो वो इकलौती सीट जो कांग्रेस अभी हाल में बाई इलेक्शन जीती थी और जो फिर वापस टीएमसी में चले गए विधायक, वो भी इंडिकेशन देता है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, मुसलमानों की जो निष्ठा तृणमूल कांग्रेस के प्रति है वो हमेशा के लिए स्थायी नहीं है, वो हिल भी सकती है। तो इन कारणों से कांग्रेस का इंपॉर्टेंस बढ़ा है, ये मैं कह रहा हूं। तो अब इसमें देखिए कि अखिलेश यादव आप सही कह रहे हैं कि 80 सीट लड़ने की स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर एक ऐसा गठबंधन जिसमें कि एसपी और बीएसपी एक दूसरे से नजदीक भी ना आए, दूर भी रहे, और एक बीच में कांग्रेस मध्यस्थता करे जिसमें कि कुछ सीटें वो बीएसपी के साथ तालमेल कर ले, कुछ एसपी के साथ तालमेल कर ले और कुछ मित्रता में चुनाव न लड़े
और इस तरह के कॉम्बिनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि बीजेपी को हराने के लिए सीट्स लाएं। जैसे मायावती जी ने 10 सीटें हासिल की थी पिछले चुनाव में एसपी से मिल करके, तो इस बार उनकी चिंता 10 बचाने की है। 10 से ज्यादा पाना तो दूर की बात है, 10 बचाएं कैसे? तो इसके लिए मायावती जी को किसी का समर्थन चाहिए, तो आज वो बीजेपी से समर्थन नहीं ले सकती, एसपी से नहीं ले सकती, तो अंदर कांग्रेस से सीमित रूप में तालमेल की जा सकती है, और कांग्रेस ने भी ये ऑप्शन खोल रखा है। आरएलडी का भी मैंने जिक्र किया, तो इस किस्म से सियासत बदल रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर 80 से अगर विपक्ष मिल करके 25 सीटें भी छीन लेती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी विपक्ष के लिए। जी, ये बात मैं आपकी मानता हूँ मिश्रा जी की, यूपी में अगर विपक्ष 25 सीटें ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता नहीं किसी भी हालात में कि वो ऐसे 25 सीटें लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो वहाँ पर योगी और मोदी और जो वहाँ पर राम मंदिर का जनवरी 22 और 25 के बीच में ओपनिंग होनी है, और जिस तरीके से वहाँ पर मैंने सुना है कि ये बीजेपी की ये एक बहुत बड़ी सोच है कि वो सारे हिंदुस्तान से फ्री गाड़ियाँ कर देंगे, और वहाँ पर कम से कम 50 से 80 करोड़ तक लोगों को 2-3 महीने में दर्शन कराएंगे राम मंदिर के। जब इस किस्म का माहौल पैदा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ यूपी में बीजेपी अपना स्थान और बहुत शिथर कर लेगी रादर देन लूजिंग। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं डॉक्टर साहब? मुझे अपनी एक पुरानी डिबेट याद आ गई जहां आपने बोला था कि इतने करोड़ लोग भारत में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, राम मंदिर मक्का मदीना या वेटिकन सिटी को डिफीट नहीं कर सकता क्राउड के मामले में। आज आपने खुद जवाब दे दिया, 50 से 80 करोड़ लोगों को अगर 2-3 महीने में ट्रेवल कराए, हो सकता है। मैंने खबर सुनी है आप हिंदुस्तान में, इसके बारे में आपने सुना है? नहीं, मैंने ये नहीं सुना है, लेकिन ये फिगर हो सकती है। कोई देखिए 50% ट्रेन के टिकट में अगर डिस्काउंट दे दिया, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दे सकती है, कोई उसमें मुद्दा नहीं। मैंने तो सुना है फ्री, ठीक है फ्री भी दे दे, बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज होती है, फ्री में अनाज देते हैं, फ्री में बहुत सारी चीजें देते हैं, तो 2-3 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा इस वक्त बहुत है डॉक्टर साहब। देखिए रही बात अगर हम यूपी की बात करें तो दिल्ली का रास्ता वाकई में यूपी से जाएगा। आपने सही बोला कि अगर 25 सीटें कांग्रेस वगैरह जीत गई या बीजेपी लूज कर दिया ना, तो इतना बड़ा डेंट लगेगा कि बीजेपी वो कहीं से भी उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेजर गेम तो आपका यहाँ पे भी है, यहाँ की जनता भी राम मंदिर को लेके बहुत उत्साहित है। सेंटर में भी आप देखिए और स्टेट में भी देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट है और सरकारें दोनों जगह है। इलेक्शन के पहले बहुत सारे सरकारें जो है बहुत सारी स्कीम चला करके लोगों को अपने तरफ मोड़ सकती हैं, आचार संहिता लागू होने के पहले तक स्कीम वगैरह दे करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपी की बात अगर मैं करूं तो यूपी में अभी भी झुकाव है। ठीक है एक चंक की जो बात हो रही है मुसलमानों का, ये माना जा सकता है कि जो बीजेपी को हराएगा यानी मुसलमान सारे के सारे लोग वहीं पे एकत्रित हो सकते हैं, ये चीज माना जा सकता है। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो कि बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन जब इलेक्शंस 2024 के होते हैं तो हम ही लोगों ने आपके साथ कई बार बात की है कि स्टेट का इलेक्शन जो होता है उसका डायनामिक्स और वोटर की सोच और प्रेफरेंसेस उस वक्त एकदम अलग होती है डॉक्टर साहब, और जब पूरे नेशन का इलेक्शन होता है एमपी वगैरह का तो उस वक्त उसी वोटर की सोच एकदम बदल जाती है। और उस पैन इंडिया लेवल पे सबसे बड़ी बात ये आती है, आप किसी से भी पूछिए या विपक्ष से पूछिए कि भाई पैन इंडिया लेवल पे दो चीजें मुझे बता दो कि आपके तरफ से मोदी के टक्कर का कोई चेहरा हो, प्राइम मिनिस्टर आप किसी को भी बनाओ, लेकिन पैन इंडिया लेवल पे कोई घोषित जो है ऐसा व्यक्तित्व हो और कोई ऐसी पार्टी हो पैन इंडिया लेवल पे। तो पार्टी वर्सेस पार्टी, कोई दूसरी पार्टी भी नहीं है जो पैन इंडिया में एक्टिव हो, जैसे बीजेपी इधर है, कोई दूसरा लीडर भी नहीं है जो कि पैन इंडिया लेवल में जिसको स्टार प्रचारक बना करके या पैन इंडिया लेवल पे घुमाया जा सकता है या पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो डायनामिक्स होता है, ये जो सोच होती है, ये भारत की राजनीति में एमपी के इलेक्शन में बहुत मायने रखती है। अब जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं वो जब भी करेंगे अपने रीजनल लेवल के तहत जो सुविधाएं हैं, जो उनका दायरा है वहीं तक करेंगे।
तो वहां पे उनकी कैंपेनिंग बड़ी वीक हो जाती है। अगर आपका विजन, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी इमेज पैन इंडिया लेवल की नहीं है, तो आदमी फिर छोटे छोटे टुकड़ों में वोटर एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं। इस चीज को फिट करना किसी के दिमाग में कि हम है तो क्षेत्रीय छत्रप, लेकिन बात हम कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल की, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा यूएसपी रहेगा। लेकिन इतना चीज तो श्योर है, अब की बार इतने दांव पेच हैं, जितनी बड़ी चुनौती विपक्ष के पास है उतनी ही बड़ी चुनौती बीजेपी के पास है। और बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, नई चुनौतियां आ रही हैं, तो उनका मैनेजमेंट भी नए तरीके से होगा। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा डॉक्टर साहब। प्रेम जी, जुलाई में गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की जो अपील है उसका फैसला होगा, सुनवाई होगी और फैसला होगा। अगर हाई कोर्ट ने वो जो निचली अदालत है उसका फैसला ना बदला तो उनकी सदस्यता जहाँ पर वो तो खारिज रहेगी रहेगी, प्लस उनको जेल में जाना पड़ेगा 2 साल के लिए, ना छः मतलब 2 साल के लिए, प्लस 6 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर मतलब वो ये मानते हैं राहुल जी कि अगर मुझे 2 साल की सज़ा हो जाती है और मैं जेल में चला जाता हूँ तो इससे कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है कि उनका ये जो है सोच है, इसमें वाकई कांग्रेस का फ़ायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई नेता अपने आप को 2 साल के लिए जेल स्वेच्छा से जाने के लिए आज के युग में तैयार कर ले, ऐसा समय देखता नहीं है। कोई मजबूरी में ही जेल जाएगा, एक बात ये। दूसरी बात है, गुजरात हाई कोर्ट से या गुजरात के किसी भी कोर्ट से कोई भी फैसला विपक्ष के फेवर में नहीं आने वाला है, ये आज की रियलिटी। तो हम ये मान के चलते हैं कि राहुल गांधी के अगेंस्ट में ही फैसला आएगा। तो राहुल गांधी के अगेंस्ट में फैसला आएगा तो उसका स्टे सुप्रीम कोर्ट से मिलता है कि नहीं मिलता है, जिस पर वो डिपेंड करेगा कि कितने समय तक वो जेल में रहते हैं। लेकिन ये सच है कि राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज जो राहुल गांधी के व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा हुआ है, जो चर्चा का वो केंद्र है देश ही नहीं विदेश में भी, तो उनके लिए समर्थन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, और इसका भारत की राजनीति पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बीजेपी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस को कितना फायदा होता है ये एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी को भारी नुकसान होगा अगर राहुल गांधी जेल में जाते। प्रेम जी, दो बातें इससे पहले कि मैं मिश्रा जी के पास जाऊं, दो बातें आपसे पूछनी है। क्या ये जो 4 स्टेटों के इलेक्शन होने हैं, तेलंगाना और ये 3 हमने जो आगे डिस्कस किए हैं, इन इलेक्शनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अपोजिशन क्या सोचेगी? देखिए, इन इलेक्शंस में अगर नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं, सभी अपनी अपनी सरकार बचा लेते हैं, तब तो लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, सारी पार्टी अपनी अपनी सरकार बचा। लेकिन अगर दूसरे से छीनने वाला रिजल्ट आता है, मान लीजिए कि बीजेपी ने ज्यादा छीन लिया कांग्रेस से, 2 सरकारें छीन ली, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और कांग्रेस ने भी कोई एक छीन लिया, तो फिर ये अनडिसिसिव भी रह जाएगा या थोड़ा बहुत बीजेपी के फेवर में जाएगा कि 2 स्टेट्स उसने छीन लिए। लेकिन मध्य प्रदेश उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश बड़ा भी है, और मध्य प्रदेश को अगर कांग्रेस छीन लेती है बीजेपी से तो इसका एक बड़ा मैसेज होगा। तो कुल मिला के हमें देखना पड़ेगा कि इन स्टेट्स में रिजल्ट किस रूप में आते हैं। अगर तीनों स्टेट कोई एक पार्टी ले जाती है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, तो जो पार्टी ले जाएगी तीनों स्टेट्स, उसके लिए 2024 एक बहुत डंके की चोट पर चुनाव में लड़ने वाली स्थिति। मिश्रा जी, हम बात कर रहे हैं अपोजिशन की यूनिटी की। लेट्स अज्यूम कि 12-13 जुलाई को वहां पर एक मिनिमम प्रोग्राम और उस पर फैसला हो जाता है, और अंदर खाते शायद वो डिक्लेयर ना करें कितनी सीटें कौन लड़ेगा कैसे लड़ेगा, लेकिन अंदर खाते कमेटी जो है जी वो
कोई ना कोई फार्मूला निकाल के ये डिसाइड कर लें कि हम ऐसे इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि आपको इस तरीके का कोई फैसला हो सकता है? डॉक्टर साहब, देखिए जिस हिसाब से सिचुएशन रही है, मुझे तो ये लगता है कि इन लोगों ने सारी प्लानिंग भी अंदर खाते की होगी, वो मिल उल करके किया होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि विपक्ष में भी जो लोग हैं, पिछली बार 2019 के इलेक्शंस में भी सब शांत बैठे थे, प्लानिंग वगैरह पहले कर लिया था, और आचार संहिता लगते ही सारे लोग एक साथ निकल आए। तो हो सकता है इन्होंने प्लानिंग वगैरह सब करके रखी हो और अभी डिस्क्लोज न करें जो आप बोल रहे हैं, और आचार संहिता लगने के बाद क्योंकि केंद्र सरकार की पावर बहुत लिमिटेड हो जाती है तो एकाएक सारी चीजें बाहर आएंगी, तो मैं पहले तो ये मानता हूँ। दूसरी चीज मान लीजिए कि अब 2024 के इलेक्शंस के लिए विपक्ष भी बहुत गंभीर है, उनको पता है कि अगर हम 2024 में हार गए तो उसके बाद पॉलिटिकल कैरियर खत्म। वो दो तीन रीजन से है, बहुत सारे दिग्गज नेता अगले 5 सालों तक या तो रिटायर हो जाएंगे, जैसे शरद पवार वगैरह, उम्र भी बढ़ जाएगी, हिम्मत भी टूट जाएगी, ममता दीदी भी देखेंगे तो काफी एजेड हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे ये लगता है कि विपक्ष भी इसको बहुत सीरियसली से ले रहा है और अंदर खाते इन्होंने प्लानिंग की होगी अपना, अच्छे तरीके से ये लड़ना चाहते हैं, अंतिम युद्ध की तरह ये जो है इसको लड़ना चाहते हैं और गंवाना नहीं चाहते हैं, और बीजेपी भी नहीं गंवाना चाहेगी इस इलेक्शन को। तो ये बड़ा निर्णायक इलेक्शन हो रहा है डॉक्टर साहब। जी प्रेम जी, यूपी की बात हम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मायावती को नहीं बुलाया, आपने कहा है मायावती और कांग्रेस की अंदर से बातचीत चल रही है, सम और दी अदर, मेरे सोच से ये बाहर की बात है कि मायावती और कांग्रेस की बात चल रही है, क्योंकि मायावती की मुझे लगता है हिम्मत नहीं है वो बीजेपी के अगेंस्ट ओपनली जा सके। एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओवैसी। ओवैसी आपने कहा मुसलमान ने जो वोटें हैं वो काफ़ी कांग्रेस के हक में जा रही हैं, अगर ओवैसी जो है वो यूपी में 20-25 सीटों के ऊपर वो भी अगेंस्ट कांग्रेस जो है वो खड़े कर देता है, तो उसका इफेक्ट आपको क्या नजर आता है? देखिए डॉक्टर साहब, ओवैसी जी की पार्टी को सफलता वहीं मिलती है जहां पर कि वो निर्णायक रूप से जनता को लगता है कि उनकी पार्टी जीत सकती है। नहीं, सफलता तो नहीं, वोटे तोड़ने की, वोटे तोड़ने की बात हो रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सीमित सफलताएं जो उनकी मिली इसी रूप में मिली है, लेकिन वोट काटने के रूप में भी उनको बहुत सक्सेसफुल नहीं देखा गया। बिहार को छोड़ करके किसी और जगह पर वोट काटने के ख्याल से वो सक्सेसफुल नहीं दिखे हैं। इवन पश्चिम बंगाल में फ्लॉप कर गए, तो उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगह पर कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अब मुसलमानों का वोट भी रणनीतिक होता है। ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए तो उनके पीछे जाके वोट बर्बाद कर देंगे, तो वो वोट उनको उस रूप में नहीं मिलेगा जब तक कि विनेबिलिटी फैक्टर नहीं पैदा हो, और अभी विनेबिलिटी फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास है नहीं, मतलब हैदराबाद से बाहर तो दिखता ही नहीं है कहीं। अब बात करते हैं मिश्रा जी कम्युनिस्ट पार्टी की, जो कि हिंदुस्तान में स्वाय केरला के जी नियर अबाउट फिनिश्ड है, और उनके 3 लीडर वहाँ पर बुलाए गए, जो जो CPI है वो तो नियर अबाउट ख़त्म है, वो भी CPM की वजह से, उनके पास कुछ सीटें हैं या कुछ मिनिस्टर्स हैं केरला में, और तो सब जगह पर वो ज़ीरो हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसको उन्होंने XML क्या कहते हैं, वो जो है वो तो वैसे ही ना के बराबर है, तो ये किस तरीके से ये अपोजिशन वाले सोच के बुलाते हैं कि इनको बुला लो और इकट्ठा करने की कोशिश करो, जबकि उनका वोट शेयर ना के बराबर है, नेशनल लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। पुराने जमाने में किया गया एहसान स्पेशली कांग्रेस और कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा तालमेल रहा है। ठीक है, कम्युनिस्ट कहीं सरकार रही है, कहीं कम जीते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल सपोर्ट विपक्षी दलों को कम्युनिस्टों ने दिया। मुद्दा क्या होना चाहिए ये देखते थे, JNU वगैरह की बातें चलती रहती हैं और जो ये प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो जो एक आइडियोलॉजी की जो बैकिंग मिलती रही है वो कम्युनिस्टों को मिलती रही है। और ठीक है, फिजिकली वो खत्म हो रहे हैं, 2-4 साल में और खत्म हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे उनकी आइडियोलॉजी भी खत्म हो जाएगी, तो उनको लोग बुलाना भी बंद कर देंगे।
क्योंकि पुराने रिलेशंस रहे हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिली है, गवर्नमेंट में सपोर्ट कई बार मिल करके गवर्नमेंट बनाया है, तो जब तक अभी पुराने दिग्गज हैं जैसे सीताराम येचुरी वगैरह हैं जो पुराने हैं, टीम तो वही है ना, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी वगैरह, ये सब पुराना जो है इन लोगों का है, तो इस लिहाज से डेफिनेटली उनको बुलाया जाता है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले, उनको सीटें मिले या ना मिले, ये एक सम्मान और आपसी भाईचारे की बात मैं मानता हूँ। स्ट्रेटजिक वे में उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, हो सकता है इंटेलेक्चुअल वे में स्ट्रेटजी बनाने में वो कुछ सपोर्ट दे दे विपक्ष को। प्रेम जी, आप बहुत डिबेट में जाते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कन्हैया लाल को जब कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया था तो उम्मीद ये की जा रही थी कि उनको बहुत बड़ा रोल दिया जाएगा, खास करके बिहार में। क्या आपको लगता है कि बिहार की जो गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार और वहाँ के RLD जी, इन्होंने मिल के प्रेशर डाला हुआ कांग्रेस के ऊपर कि आप कन्हैया लाल को आगे मत लाइए बिहार में? ये इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है क्योंकि जितने भी नौजवान हैं कांग्रेस में से वो बाहर निकल गए, और ये एक नौजवान आया था जो कि प्रेसिडेंट रह चुका JNU का, और जिसको बोलने का मैंने उसकी कम से कम 8-10 इंटरव्यूज पूरी सुनी है, बोलने में और लॉजिक में वो बहुत बढ़िया है, उसको क्यों पीछे किया गया? जी, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, और कांग्रेस के लिए ये अच्छा होता कि कन्हैया कुमार का अधिक से अधिक इस्तेमाल होता। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार का हरियाणा में इस्तेमाल किया, दिल्ली में कर रही, अभी तो चर्चा है कि दिल्ली के प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है कन्हैया कुमार को, तो बिहार के बारे में नहीं सोचा जा रहा है तो क्यों? तो निश्चित रूप से बिहार में RJD के पास तेजस्वी यादव हैं और महागठबंधन है, मिलकर चलना है, तो कोई लालू प्रसाद के का एक दबाव शुरू से रहा है, पहले भी कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट करने के मामले में RJD एक दबाव डालती रही थी, इवन जब इलेक्शन लड़ने गए कन्हैया कुमार तो RJD ने समर्थन नहीं किया था, और RJD ने अगर समर्थन कर दिया होता तो कन्हैया कुमार को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये हम ये देखें कि इंडिविजुअली कन्हैया कुमार को बिहार की सियासत में स्थापित नहीं होने देने के पीछे RJD का बड़ा योगदान है, लेकिन हाँ, अब दिल्ली में कितने कारगर होंगे, हरियाणा में कितने कारगर हो रहे हैं, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन बिहार में कन्हैया कुमार उपयोगी हो सकते थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपकी आपका जो इंटरवेंशन है, सवाल है, बहुत जेन्यून है। मिश्रा जी, अब बात करते हैं, यूपी को छोड़ दें, बात करते हैं उड़ीसा की, तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। ये तीनों सूबे जो हैं, इसमें जहाँ तक उड़ीसा है वहाँ पर तो अब लड़ाई डायरेक्ट है बिटवीन BJD और अपने क्या कहते हैं BJP, और तेलंगाना में भी कांग्रेस समझती है कि हम वहाँ पर लड़ सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर भी BJP, कांग्रेस और जो राव की पार्टी है यानी तेलंगाना की, उनका आपस में मुकाबला, और जब तीन तिकोना मुकाबला होगा तो राव उसमें से जीत के बाहर निकल सकता है। आंध्र प्रदेश में दो ग्रुप हैं, और हम जानते हैं कि इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है, और हम ये भी जानते हैं कि नायडू जो है दूसरा ग्रुप, उन्होंने BJP के साथ फैसला कर लिया। ये तीनों सीटों के भी MPs बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय? डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं, देखिए कौन सी सीटें जीती जा सकती हैं, कहाँ नहीं जीती जा सकती हैं, और कौन सी सीटें हमें अपने पक्ष के लोगों को जो है छोड़ना है। इस मामले में BJP की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो डाटा शीट है वो बहुत स्ट्रांग है। BJP दो तरीके की स्ट्रेटजी बनाती है, पहले वो डिसाइड करती है ऐसी कितनी सीटें हैं जिसको हम डायरेक्ट बिना किसी सपोर्ट के निकाल सकते हैं, वहां वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, उनकी अपनी रिसर्च टीम है, वो अपने कैंडिडेट ओपन खड़ा करेंगे। उसके बाद ये आता है कि कहाँ पे हमें कंप्रोमाइज करना है, कहाँ पे सीट हमें दूसरों को देनी है। अच्छा, दूसरों को देने का मतलब, अब जैसे उड़ीसा में आप ये देखिए, तो उड़ीसा में क्या होता है कि ठीक है उनके कैंडिडेट जीते या BJP के जीते जो भी है,
लेकिन सपोर्ट हमेशा सदन में जब मिलता है तो वो लोग बीजेपी के सारी चीजों को सपोर्ट कर देते हैं, सारे बिल को सपोर्ट कर देते हैं। यही रीजन है कि इन तीनों स्टेट से नेता वहां गए नहीं, जबकि मेरे ख्याल से शायद बुलाया गया था, कुछ लोगों को दिया गया था निमंत्रण, नहीं गए। नहीं जाने का मतलब मैसेज अभी क्लियर है कि भाई या तो ये बीजेपी के एलाइज होंगे या कोई इनके अंदर समझौता हुआ होगा कि इतनी सीट हम ले लेंगे, इतनी सीट। तो बीजेपी इन जगहों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेगी, वो ज्यादातर फोकस करेगी जहां पे विनेबिलिटी उनकी बहुत स्ट्रांग होगी, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया। मेजर जो चंक है पूरा पाई चार्ट अगर बनाएंगे तो जहां जहां वो जीत सकते हैं वहां वो ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश। अगर यूपी में 50 सीट जीत सकते हैं तो मेहनत करें तो 60 भी जीत सकते हैं, 70 भी जीत सकते हैं, क्योंकि फर्टाइल लैंड है। जहां लैंड ही फर्टाइल नहीं है बीजेपी के लिए, ऊसर भूमि में बीजेपी दाना डाल करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती है। ये बीजेपी का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है जो कि अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप कन्हैया कुमार की आपने बहुत बात बहुत अच्छी छेड़ी थी, आप लोगों ने जो बोला, प्रेम कुमार जी ने जो बोला वो सही है। आरजेडी या लालू प्रसाद यादव वगैरह कन्हैया कुमार को बिहार में जगह दिला के नेता बना के अपने लड़कों की हत्या, पॉलिटिकल मर्डर थोड़ी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली कि कन्हैया कुमार का जो स्पीच है वो डायलॉग डिलीवरी, उनके लॉजिक वगैरह बड़े लक्षेदार हो सकते हैं, ये तभी तक है जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया है। मैं भी उनके बहुत सारे डिबेट देखता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि पूर्वांचल और बिहार का अगर कोई एक्टिव पॉलिटिशियन है या नेता है तो डेफिनेटली वो बोलने में, बात विवाद करने में, इन सब चीजों में बहुत एक्सपर्ट होता है। किसी दिन कन्हैया कुमार को अगर कोई स्ट्रांग जो है पूर्वांचली मिल गया या बिहारी मिल गया ना डिबेट उबेट में, तो ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार इनविंसिबल है। अभी एक डिबेट में देख रहा था बुरी तरीके से उनको धोया गया। क्वेश्चन सिर्फ ये है, ये जितने भी डिबेटर हैं, प्रवक्ता वगैरह हैं, उसमें भी मैंने एक क्वालिटी देखी है कि किसी स्टेट के जो है, ठीक है नेता बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है डिबेट, लॉजिक, डिस्कशन वो उतने अच्छे ना कर पाए, तुरंत जवाब उतने अच्छे ना दे पाए। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत इनविंसिबल जो है बोला बोल दिया जाए कन्हैया कुमार को, बहुत इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी एक सीट नहीं निकाल पाए थे, जिस जिस गुण के मतलब बदौलत उनको इतनी उनकी पहचान बनी है, वो गुण उनका काम नहीं आया जब वो चुनाव लड़े थे। नहीं नहीं मिश्रा जी, मिश्रा जी मुझे लगता है आप कन्हैया लाल के अगेंस्ट हैं, क्योंकि कन्हैया लाल के बारे में बड़ा क्लियर बता दिया कि आरजेडी अगर उनको सपोर्ट कर देती तो आराम से निकल जाते, ऐसी कोई बात नहीं है। तब भी वो 3 लाख से ज़्यादा सी वोटें लेकर गया था, जबकि आरजेडी उसके साथ नहीं थी, नंबर वन। नंबर टू, आपने भी उसकी डिबेटें सुनी होंगी, लेकिन वो लॉजिक जो होता है ना, वो होता है एक पढ़े लिखे इंसान का, और उसका जो लॉजिक है, हाँ जी, वो एक बहुत अच्छे ढंग से वो पेश करता है, हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। पर एनीवे, अब डिबेट को हम थोड़ा सा एंड की तरफ लेके चलते हैं। और प्रेम जी, एक से बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जबकि आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है वो कंटिन्यूसली मोदी गवर्नमेंट की हेल्प करता रहा है और सपोर्ट करता रहा है, क्या वजह है कि मोदी सरकार ने उसके जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके साथ फैसला कर लिया? देखिए, मुझे तो इस फैसले से आश्चर्य हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप का प्रसार करना, अपना क्षेत्र दक्षिण की ओर बढ़ाए, इस महत्वाकांक्षा में उन्होंने अपने एकदम लॉयल जो साथी, जो एंटी कांग्रेस जो गवर्नमेंट है या पार्टी है, उसके उसको छोड़ करके वो एन चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिला लेती है बीजेपी, जो पिछले 2019 में इसी तरह के गठबंधन को इकट्ठा करने की और बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो ये बहुत आश्चर्यजनक फैसला है, और मुझे लगता है कि ये दक्षिण में जो कर्नाटक में हार मिली है उसके बाद से ये डेस्परेट फैसला है, ये कोई पॉलिटिकली बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला नहीं है। उनको जगन रेड्डी के साथ तालमेल करने से सेंटर की पॉलिटिक्स में मजबूती मिलती, लेकिन बीजेपी ने अपनी प्रायोरिटी के जगन मोहन रेड्डी के इलाके में अपने पार्टी का फैलाव हो, विस्तार हो, इसको उन्होंने प्रायोरिटी दिया, नेशनल पॉलिटिक्स को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। इस वजह से उन्होंने एक क्षेत्रीय अलायंस बनाया ताकि अपनी मौजूदगी, अपनी पार्टी के प्रसार को पर जोर दिया जा सके।
मिश्रा जी, आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? 10-12 जुलाई की वेट करें, 12-13 जुलाई की, और फिर उसके बाद करें, या आप अभी कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। हो सकता है बीच में कुछ खबरें आ जाए। अब जैसे जाने को तो केजरीवाल भी गए थे, सुबह तो हम सोच रहे थे ये भी मीटिंग के एक हिस्सा हो गए, लेकिन बीच में एक खबर आ नहीं, गई वो तो पहले कि ही जी पता हम था, केजरीवाल का तो पहले ही पता था कि ये खराब करने गया। नहीं, ऐसी हो सकता है 10-12 जुलाई के पहले भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव या निगेटिव आ सकती हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, केवल 10-12 जुलाई नहीं, किसी भी दिन कुछ भी खबर आ सकती है, किसी भी लेवल पे तैयारी पूरी हो सकती है, कोई नई स्ट्रेटजी आ सकती है। ये मान के चलिए कि युद्ध की दुंदुभी नगाड़ा बज चुका है और आज के बाद से हर एक दिन कोई ना कोई खबर पक्ष या विपक्ष से आती रहेगी, वार प्रतिवार होता रहेगा। इसको साक्षात दृष्टा बन के ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रेटजिकली बड़ा मजेदार रहेगा 2024 का इलेक्शन, डॉक्टर साहब। प्रेम जी, इसी को तो कहते हैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स। हाँ जी, कभी उधर से कभी उधर से बयानबाजी जो है वो चलती रहनी है। तो आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं? जी, आखिर में यही बात कि 2024 की लड़ाई जो है एक जबरदस्त रोचक ढंग से आकार ले रही है। विपक्ष की एकता होती है जिस हद तक हो, उस हद तक ये दंगल जो है इंटरेस्टिंग होगा। और 3 कुनबा हर बार बनता है, इस बार भी बनेगा। एक बीजेपी के नेतृत्व में, एक कांग्रेस और गठबंधन वाला कुनबा, और एक क्षेत्रीय दलों का कुनबा, जो सत्ता जहां मजबूत होती है उसके साथ वो जुड़ते हैं, उस तरह का तीन तीन तरह का कुनबा बनेगा। लेकिन मैंने वोट परसेंटेज का पहले जिक्र किया था, उस हिसाब से हम देखें तो बस 30% के करीब कांग्रेस के लिए पहुंचना कोई माने आज की तारीख में तो मुश्किल लगता है, आसान काम नहीं है, क्योंकि 19.5% ही वोट है। हाँ, रीजनल पार्टी से अगर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं जो कांग्रेस के करीब है, तभी वो मुकाबला में आ सकती है भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रोचक ढंग से आपने अपने विचार प्रकट किए। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बड़ी जल्दी ही हम 12-13 जुलाई के बाद मिलेंगे जी, ताकि पता चल सके कि क्या अपोजिशन पार्टियों ने आपस में फैसला किया। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए वंडरफुल वीकेंड। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर। प्रोग्राम आप बात कर रहे थे ब्रेन बर्स्ट विद डॉक्टर शारदा। हम हमेशा आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ टैग टीवी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, इनके जो व्यूअर्स हैं उसको आप आगे बढ़ाएं। और टैग टीवी एक ऐसा टीवी है जिसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती किसी भी इंडस्ट्रियल घराने से और किसी भी ग्रुप से। ये अपने सिर पे अपने ताहिर गोरा जी की मेहनत की वजह से ये टैग टीवी जो है ये चल रहा है। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है। आप सबका प्रोग्राम देखने का धन्यवाद। नेक्स्ट फ्राइडे को आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.